मेरी हंसी पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। चाचू, स्कूटर का टायर पंक्चर है, रात को तो ठीक था। ओहो हो हो, आपके स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया? ऐसे कैसे किसी का स्कूटर खड़े खड़े पंक्चर हो सकता है? किसी ने जानबूझकर तो पंक्चर नहीं किया। अब मुझे क्या पता, मैंने तो नहीं देखा। मतलब मेरी हंसी पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। अच्छा हुआ बंदूकनी जी आप आ गए, हमारे नए पड़ोसी हसमुख लाल ने तो गंद मचा रखा है। अरे गंदगी तो थारे घर के बाहर फैली है, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। ओहो हो हो, अरे कितने लापरवाह है ये चाचा, यहाँ वहाँ गंदगी फैलाते रहते हैं। अरे इनके घर का कचरा भी मुझे ही साफ करना पड़ता है, आखिर ये पंटूज नगर हमारा है और हमें ही इसे साफ रखना चाहिए ना। बंदूकनी जी के सामने अच्छा इंसान बनने का नाटक मत करो अंकल। बंदूकनी जी? आप बंदूकनी जी हैं? अरे मैंने आपके बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं, आज आपके दर्शन भी हो गए, धन्य हो गया मैं। चाचा जी क्यों भले आदमी का नाम खराब करते हो, है दोस्तों की तरह मिलजुल कर रहा करो ना। क्यों इतनी गंदगी फैलाते रहते हो चाचा? अरे आस पड़ोस में थोड़ी सफाई तो ये बाहर थे, अभी अंदर कैसे आ गए? लगता है मुझे ही कुछ वहम हो गया है। ओए क्या हुआ, पानी नहीं ले आई? मैं आ गया। ओए भतीजे जरा चेक तो कर, मुझे बुखार तो नहीं है, मुझे हर तरफ चाचा ही चाचा दिख रहे हैं। चाची आपका प्यार ही कुछ ऐसा है कि आपको हर तरफ चाचा ही दिखाई देते हैं। अब तो दो चाचा, कहीं मैं पागल तो नहीं होगी? ओहो शांत हो जाओ चाची, ये चाचा है और ये है चाचा का क्लोन। क्लोन है, मैं पागल हो जाऊंगी जी। चाची ये पानी पी लो। ओ जी संभालो अपने आप को। चाची मैं आपको सब समझाता हूँ। ओ यार बलवंत, और मुझे ये असली दुनिया पसंद है, तुम्हारी दुनिया जहाँ तुम आराम से बैठकर अखबार पढ़ो, चाची तुम्हारे लिए खाना बनाए, भतीजा तुम्हें इतना प्यार करे, और मैंने तो सोच लिया है अब मैं फिर से उस लैब में नहीं जाऊंगा, लैब में तुम जा सकते हो, मैं तो यहीं रहूंगा। ओए ये तुम क्या कह रहे हो, और तुम क्लोन हो तो तुम वापस लैब में जाओगे ना, सब जानते हैं मैं असली चाचा हूँ तो मैं यहीं रहूंगा। देखते हैं कौन किसे असली चाचा समझता है। और चल भाई क्लोन, वापस लैब जाने का टाइम हो गया है। ओए ये क्लोन है, इसे वापस ले जाओ। ओए क्यों मजाक करते हो भाई, ओ मैं असली चाचा हूँ, ये क्लोन है, इसे लैब ले जाओ,
देखो मुझ पर मार्क नहीं है, यानी मैं असली चाचा हूँ। ओए मार्क तो मेरी गर्दन पर भी नहीं है, लगता है इसने अपना मार्क मिटा दिया है। पर मैं कह रहा हूँ ना कि मैं असली चाचा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन असली है और कौन नकली। मैंने क्लोन को बनाया ही इतनी बारीकी से है कि मैं खुद पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि असली चाचा कौन है और क्लोन कौन है। ओए मैं कह रहा हूँ ना असली चाचा मैं हूँ। ओए चुप कर, क्लोन के बच्चे, असली चाचा मैं हूँ। लगता है क्लोन पे पानी गिरने से। तो मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे लाल लिपस्टिक लेनी चाहिए या गुलाबी। लाल लीजिए। ओ भैंस की पूंछ, तुझे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही थी है? कहा था ना मैंने मन की बात पढ़ लेता हूँ। अब तो काली घाटी चलो। ये इतने सारे नारियल यहाँ क्यों रखे हैं? नारियल पानी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, अब मार्केट में सस्ते मिल रहे थे तो मैंने सारे खरीद लिए। बेचारा तो इस नारियल से बेहोश हो गया। चाचू ये तो वही हीरा चोर है, दूसरी गैंग को अपना हीरा बेचने आया होगा। तो चाचे इसके मन की बात भी पढ़ ले, हमें भी तो पता चले कि ये कौन है और हीरा किस गैंग को बेचने वाला है, है? वो इसके मन की आवाज नहीं आ रही, कहीं खोजी सिंह की टोपी खराब तो नहीं होगी? नहीं चाचू, शायद इसके मन में कुछ चल ही नहीं रहा क्योंकि ये होश में नहीं है। कोई बात तो तूने सही कही है पतिजे, पर फिर तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। आइडिया, चाचू आप इसके कपड़े पहन लो और यहाँ खड़े हो जाओ, जब दूसरी गैंग आएगी तो आपको ये आदमी समझेगी और फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। कोई नहीं नहीं, मुझे डर लगता है कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं अकेला ये सब नहीं संभाल सकता। डोंट वरी चाचू, भतीजे के होते चाचू को कुछ हो सकता है क्या? मैं आपके साथ आपका असिस्टेंट बन के यहाँ खड़ा रहूँगा। ओके पीटर ने कहा था कि वो हमें यहीं मिलेगा, कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मार्क को इंतजार करने की आदत नहीं। ओए पतिजे, हीरे चोर का नाम है पीटर और जो हीरा लेने आया है उसका नाम है मार्क। बहुत अच्छे चाचू, चलो उनके पास चलते हैं। पीटर तुम आ गए, अरे छोटू कौन है? ओए ये मेरा चेला है रिपीटर। अच्छा अब काम की बात करें, हीरा मेरे पास है, तुम माल लाए हो? हीरे तो ले लेंगे पर मुझे तेरी टोपी बहुत पसंद आई, बहुत दिनों से एक अच्छी टोपी ढूंढ रहा था, आखिर आज मिल ही गई। ओए नहीं नहीं, ओ मैं अपनी टोपी किसी को नहीं देता। तू मुझे ना बोलेगा, तेरे इतने हिम्मत? देखिए मैं आपको दूसरी रोज, आज मेरे मामा जी मोगावर आ रहे हैं, उन्हें लेने स्टेशन जाना है पर मामा जी को रिसीव करने खाली हाथ नहीं जा सकते। आओ युकी, मेरे इंजन के कार्बोरेटर में एक आइडिया अटका हुआ है, बोले तो निकालो। निकाल निकाल, जल्दी निकाल। वो सामने गरीबदास ज्वेलर की दुकान है, वहीं से मामा जी के लिए कुछ गिफ्ट ले लेते हैं। ओके क्या आइडिया लगाया। लगता है आज चाचू पर एक्शन सिंह के स्टंट्स का भूत सवार हो गया है। ओ क्या मुसीबत है। चाचू संभाल के, इधर आगे देखिए। मैं भी क्या कह रहा हूँ, चाचू नींद में क्या देखेंगे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। चोरी करके भाग रहा है, बहादुर पीछा कर उसका। जी मैडम जी।
क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर जोगावर, किसी का हाथ नहीं आऊंगा। जोगावर, तू मेरी लात से बच नहीं पाएगा। अरे बावड़ी बूझ भैंस की पूंछ निकल गया। और चाचा भतीजा, इतनी रात गए कौन सी सैर पर निकले हो? इबाई गए हो तो जरा जोगावर को पकड़ने में मेरी मदद करो, उसकी रोजी तो दीवारों पर से कूद निकलती है। बंदूकनी जी, चाचू नींद में स्कूटर पर ऐसे स्टंट्स कर रहे हैं, वही जोगावर को पकड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। एक्शन सीन, विलेन भाग रहा है, हमें उसे पकड़ना होगा। है? नींद में? लेकिन आंखें तो खुली है, ये कैसी नींद है? और ये चाचा भतीजा तो कमाल ही करते रहते हैं। चल बहादुर, पीछा कर। चाचा भतीजा रात में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते, देख लूंगा। ये लो, ये लो।